ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरे पास एक कमेंट्स आई थी कि गुरुजी, माता महाकाली के जो गले में नरमुंडों की माला होती है वह कितनी होती है, उसमें नरमुंड कितने होते हैं, और जो माता महाकाली होती है वो कितनी प्रकार की होती है। बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है। मैं ये कह रहा कि आप वेद शास्त्र छान मारो, अगर आप इस चीज़ के बारे में जान सको कि माता महाकाली कितने प्रकार की होती है, आप ढूंढ नहीं सकते इस चीज़ को, बिल्कुल भी ढूंढ नहीं सकते। ये चीज़ें जब मुझे, मेरे पास इस चीज़ का कमेंट्स किया गया तो मुझे भी जिज्ञासा हुई कि भाई मुझे भी पता लगना चाहिए कि बाकी माता महाकाली के गले में जो नर मुंड की माला होती है वो कितने मुंड होते हैं, और माता महाकाली कितने प्रकार की होती है। मेरे मन में भी ये बात जिज्ञासा थी। तो इस जिज्ञासा का समाधान अचानक ही एक दिन हो गया। मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसकी जो वाइफ थी, उसकी वाइफ के ऊपर माता महाकाली खुलकर नहीं आ रही थी। तो मैंने उसको सामने बैठाया, शक्ति को याद करा, उससे भी याद करवाया, और अपनी शक्ति के द्वारा जोर उस पर दलवा कर माता महाकाली सामने आई। आकर उसने बहुत सारी बातें की, तो मैंने उसी से ही इस विषय में पूछ लिया। हालांकि मैं खुद भी देख सकता था, लेकिन मैंने उन्हीं से इस बारे में पूछा कि माता मातेश्री, आप एक कृपा करके एक बात बता के जाइए कि आपके गले में जो मरर मुंडों की माला है वो कितने नरमुंड होते हैं, और आपके एक प्रकार कितने हैं, आप कितने प्रकार की काली होती हैं। क्योंकि आपको शायद दो चार माता महाकाली का पता होगा, मुझे भी यही पता था। भाई नॉर्मल जो माता महाकाली जाती पूजी जाती है वो होती है भद्रकाली होती है, या अपना ये काली कलकत्ते वाली होती है, शमशान काली होती है, चौराई वाली काली होती है। तो इस प्रकार 5-7-10 कालियों का ही हम बता सकते हैं। तो वास्तव में होती कितनी है, इस बात का तो हमें भी नहीं पता था। तो मैंने माता महाकाली से जब बात करी, माता से बात करी, तो माता ने बताया कि बेटे नर मुंडों की माला होती है 51। 51 मुंडों की माला माता महाकाली धारण करती है। वह 51 मुंड होते हैं। और मैं आपको एक गुरु रहस्य की और बात बता रहा हूँ कि माता महाकाली को जब आपको प्रसन्न करना हो तो माता महाकाली के गले में आप 51 नींबों की माला डालें। गूढ़ रहस्य की बात बता रहा, वेद शास्त्र खंगाल लेना, आपको ये चीजें मिल नहीं पाएंगी कभी। जो गूढ़ रहस्य की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य की बातें हैं। बस मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि मेरा उद्देश्य इस चैनल को बनाने का इतना है कि इसके द्वारा जो अर्निंग होती है, इससे ये धार्मिक काम सारे होते रहते हैं, इस मंदिर का या भंडारे आदि का, या किसी गरीब की शादी करा देना। इस चैनल के माध्यम से जो अर्निंग होगी वो इसी कार्य में लगाई जा रही है, जो थोड़ी बहुत हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही, थोड़ी बहुत हो रही है, वो इसी कार्य में लगाई जा रही है। आप ये ना सोचे कि भाई हम कमाई के जरिए से इस काम को करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा के माता महाकाली कितने प्रकार की होती हैं, आप किसी से पूछ कर देखना माता महाकाली कितने प्रकार की होती हैं। उसके पाँव के नीचे जमीन खिसक जाएगी, सर पटकता रह जाएगा, सोचता रहेगा कि कितने प्रकार की होती हैं। लेकिन मैं आज आपको एक गूढ़ रहस्य की बात बता दे रहा हूँ, जो स्वयं शक्ति ने आपको बताई है। मंदिर में बैठा हूँ, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल बात स्वयं शक्ति ने बताई है। माता महाकाली 81 प्रकार की होती है। कितनी? 81। 81 प्रकार की काली होती है, 81 प्रकार की माता महाकाली होती है। दो तीन प्रकार की माता महाकाली के मैंने ऐसे दर्शन किए कि मैं देखकर हैरान हो गया कि ये माता महाकाली का कौन सा रूप है, किस प्रकार का रूप है। भाई संसार बहुत बड़ा है, माता महाकाली अलग अलग जगह पर अलग अलग रूपों में पूजी जाती है। माँ भगवती, माँ सती के जब टुकड़े होते थे, 51 सिद्ध पीठों पर उनके जाकर टुकड़े गिरे थे, लेकिन माता महाकाली 81 प्रकार की है। और उनमें से कुछ के बाल तो ऐसे थे कि सर के ऊपर चुटी चुटिया जो होते हैं, चुटिया एक नहीं बहुत सारी चुटिया बंधी हुई थी, बहुत सारी चुटिया, छोटी 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 चुटिया बंधी हुई थी इस प्रकार के। किसी के घुंघरालू बाल हैं, किसी के किस तरह के बाल हैं, किसी के किस तरह के बाल हैं, किसी का चेहरा किस तरह है। तो इस तरह की मैंने कुछ माता के रूप के दर्शन किए हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बड़े अजीब गरीब रूप होते हैं, क्योंकि मैं जब किसी के यहाँ कोई कार्य करने जाते हैं या किसी के बारे में देखते हैं तो कई बार शक्ति अपने आप ही सामने अपना रूप दिखा देती है कि मैं हूँ बेटा यहाँ पर। तो हमें भी समझ नहीं आता है ये शक्ति कौन सी है, तो तब हमें पता रहता है कि ये खुद ही बताती है कि बेटे मुझे पहचान नहीं, मैं तेरी शक्ति हूँ, माता महाकाली हूँ मैं। तो हमें भी देख कर हैरान होते हैं कि माता महाकाली का कौन सा रूप है। तो मैं आपको गूढ़ रहस्य बात बता रहा कि माता महाकाली के गले में जो मुंडों की माला होती है वह 51 मुंडों की माला होती है। माता को प्रसन्न करने के लिए उनके गले में नींबू की 51 नींबू की माला माता को पहनानी चाहिए। गूढ़ रहस्य की बातें हैं। दूसरी बात ये कि माता महाकाली 51 सिद्धपीठ होती है, केवल जगह माँ सती के अंशभूत कहते हैं, लेकिन माता महाकाली 81 प्रकार की होती है। ध्यान से रखना, 81 प्रकार की माता महाकाली होती है। तो यदि आपको ये नॉलेजेबल वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने कमेंट्स, अच्छे प्यारे से कमेंट्स, या जय माता दी,
अवश्य लिख दिया करें, जरूर लिख दिया करें, जो भी वीडियो देखें वो कुछ ना कुछ अवश्य लिख दिया करें, ताकि ये वीडियो ग्रोथ हो, सत्यनारायण सनातन धर्म की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। और साथ ही आप इस चैनल पर यदि नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने जो साथी संबंधी हैं उनको भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें मिलती रहें। हमारा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इतना स्वार्थ होता है कि भाई मेरा गुजारा थोड़ा बहुत खर्चे लायक, तो मैं पैसे इसमें से लेता ही हूँ थोड़ा बहुत जो खर्चे लायक। खर्चा भी क्या होता है कि भाई मैं अपने लिए ना तो मैं कुछ खाता पीता, ना कोई ऐब है, किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं, कोई भी ऐब नहीं। ऐब है सिर्फ इतना है कि भगवान की भक्ति के अलावा कुछ ही नज़र नहीं आती। मेरा खुद का बिजनेस बहुत बढ़िया है, अच्छा बिजनेस है मेरा, कोई मुझे काम से बहुत बढ़ा है, मेरी इनकम है, तो मुझे चैनल की पैसों की आवश्यकता नहीं। चैनल का जो पैसा होता है वो सारा धार्मिक कार्य में लगता है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। आप ऐसा ना सोचे कि भाई मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ तो उसके पीछे पर्पज होगा कि भाई मेरी अर्निंग बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सभी के सोच अलग अलग है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, जैसे जिसकी इच्छा। सभी भक्तों को जय श्री राम।